गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टू और थ्री मोर रूल्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. रूल 8, व्हेन अ प्लूरल नाउन शोज अ डेफिनेट क्वांटिटी और अमाउंट द वर्ब इज जनरली सिंगुलर. कि जब भी कोई प्लूरल नाउन देखने में हमें लगे कि वो प्लूरल है पर वो सिर्फ क्वांटिटी या अमाउंट को शो कर रही है तो उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. 10 rupees इज अ स्मॉल अमाउंट. तो यहाँ 10 rupees जो है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखने में लग रहा है ये, पर हम इसको एक अमाउंट, एक राशि के रूप में देखेंगे और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. 10 rupees इज अ स्मॉल अमाउंट. हमें यहाँ से भी थोड़ा हिंट मिल रहा है, आ स्मॉल अमाउंट, कि एक छोटी सी एक राशि है, इसलिए ये सिंगुलर यूज होगी यहाँ पे वर्ब. 20 kilometers इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज. यहाँ भी आ लॉन्ग डिस्टेंस, इससे भी हमें हिंट मिल रहा है. और वैसे भी हम रूल अगर लर्न करें तो 20 किलोमीटर्स को हम प्लूरल में नहीं लेंगे, इसको एक सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ ये एक कोई प्लूरल को शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें हम इज यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट रूल इज नाउंस विच इंडिकेट द नेम ऑफ अ कंट्री और टाइटल ऑफ अ बुक. कोई भी नाउन जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि वो किसी कंट्री का नेम है या किसी बुक का टाइटल है, तो वो भी सिंगुलर वर्ब लेती है. जैसे कि वेस्ट इंडीज एक कंट्री का नेम है पर ये आइलैंड्स का एक ग्रुप है. हमें देखने में ये प्लूरल लग रहा है पर ये कंट्री का नेम है, इसलिए हम इसमें इज यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. ये जो है एक कलेक्शन है, संग्रह है स्टोरीज का, अरेबियन नाइट्स, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें और ये एक बुक है, बुक का नेम है, तो इसलिए इसको भी हम सिंगुलर वे में लेंगे और सिंगुलर वर्ब इसमें यूज होगी. नेक्स्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन जेंडर. एंटीसीडेंट का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट, इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन. कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किससे एग्री करता है, अपने एंटीसीडेंट से, यानी कि अपने सब्जेक्ट से एग्री करता है, जेंडर में, नंबर में और पर्सन में. इसका मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल देखिए, इट इज यू हु आर टू बी ब्लेम्ड. इट इज यू, यहाँ पे यू यूज हुआ है, तो यू के अकॉर्डिंग, यू जो है उसका हम जेंडर देखें या नंबर या फिर पर्सन. तो पर्सन देखें तो ये सेकेंड पर्सन है यू, और इसके साथ आर यूज होता है. इट इज यू हु आर, तो हु के बाद हम आर लगाएंगे. टू बी ब्लेम्ड, इट इज आई, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ हु के बाद भी हम एम यूज करेंगे. और ऐसी कल हमने एक एक्सरसाइज कल की थी, तो उसमें एक सेंटेंस आया था इसी तरह का, आई के, हु के बाद उसमें हमने इज फिल किया था, तो आप वहां भी एम यूज करें. कल वाली जो एक्सरसाइज थी वहां भी आप एम यूज करें और जो इज है वो रोंग होगा. इट इज आई हु एम इनोसेंट, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम यूज होगा. इट इज दे हु ब्रेक द रूल्स, तो यहाँ दे के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि प्लूरल के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हु के बाद दे. दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ गैप फिलिंग एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम 4 ऑप्शंस. आई डैश टू गो आउट ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ, यानी कि मुझे हर महीने दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है. तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास हैज, हैव, आर, एम. तो हैव इसमें आ सकता है, आई के साथ हैव यूज होगा. आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ. आई डैश गोइंग टू मुंबई टुनाइट बाय द राजधानी एक्सप्रेस, यानी कि आज, टुनाइट यानी कि आज की बात हो रही है, नियर फ्यूचर की, कि मैं राजधानी एक्सप्रेस से आज मुंबई जा रहा हूं. तो आई एम गोइंग. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब हम ऑफ से पहले देखेंगे, तो यहां वन सिंगुलर सब्जेक्ट है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गेटिंग मैरिड द डे आफ्टर. तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास इज, आर, वोज, वर. तो यहाँ वन की बात हो रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसलिए इज यूज होगा.
वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गेटिंग मैरिड द डे आफ्टर. सुमित माई ओल्डेस्ट फ्रेंड डैश बीन इन टच विद मी, यानी कि जो मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है सुमित, वो मेरे टच में रहे हैं के लिए हैज बीन. अब यहाँ पे सुमित सिंगुलर है तो उसके लिए हैज यूज होगा, इज हैज आर हैव, तो ये नहीं हो सकते बाकी, तो यहाँ पे हैज यूज होगा. वी अ ग्रुप ऑफ फोर, हम यानी कि चार का एक ग्रुप, तो यहाँ वी वी को हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो ये प्लूरल है, तो वी के साथ हम यूज करेंगे. ई के लिए ऑप्शन हैज, हैव, इज और आर. हैव यूज करेंगे. वी हैव नोन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म जो है वो हैज हैव के साथ यूज होती है. वी अ ग्रुप ऑफ फोर हैव नोन एज डेयर डेविल्स, यानी कि हमको डेयर डेविल के नाम से जाना जाता है. माई अदर फ्रेंड्स डैश ऑल्सो अराइविंग देयर, कि मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए आर अराइविंग, क्योंकि आई एन जी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज हुई है, तो आर अराइविंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वंस देयर वॉज अ मर्चेंट इन अदिलपुर. अदिलपुर में एक बार एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था. द इनहेबिटेंट्स ऑफ अदिलपुर डैश वेरी प्राउड ऑफ हिम, कि जो अदिलपुर के निवासी थे वो उस पर गर्व करते थे. तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, इस ए के लिए ऑप्शन है हमारे पास ही आर बीइंग वर हैव बीन, तो पास्ट की बात है तो यहाँ आ जाएगा वर, क्योंकि ये ऑफ से पहले हम देखेंगे तो ये प्लूरल वर्ड है. द इनहेबिटेंट्स ऑफ अदिलपुर वर वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही डैश अ प्रोस्पर मर्चेंट. अब ये भी पास्ट की बात है तो यहाँ ही के साथ वोज आ जाएगा, ही वॉज अ प्रोस्पर्स मर्चेंट. द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस, कि जो उसके बिजनेस की जो शाखाएं थी बिजनेस हाउस की, डैश ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे कंट्री में, पूरे देश में क्या हो रही थी, पूरे देश में मौजूद थी. तो यहाँ पे यूज हमारे पास ऑप्शन है इज लोकेटिंग, वॉज लोकेटेड, वर लोकेटेड. वर लोकेटेड ये पैसिव सेंटेंस बनेगा, तो वर लोकेटेड यानी कि उसने स्थापित की हुई थी अपने बिजनेस की ब्रांचेस पूरे कंट्री में, वो वर लोकेटेड. यहाँ पे वर इसलिए आया क्योंकि ब्रांचेस ऑफ से पहले हम देखेंगे तो ब्रांचेस वर्ड यूज हुआ है जो प्लूरल है. आवर कंट्री वॉज देन फेमस फॉर इट्स फाइन फैब्रिक्स, और उस टाइम हमारी जो कंट्री थी वो अच्छे फैब्रिक के लिए फेमस थी. These fabrics, अब ये भी प्लूरल है यहाँ पे सब्जेक्ट, डैश फॉर वेयर्स प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड द सीज, यानी कि समुद्र से परे वेयर जो, यानी कि कमोडिटीज को कहते हैं वेयर, या वस्तुएं जो भी प्रोड्यूस होती थी, यानी कि हमारा जो देश था वो फैब्रिक में अच्छा था, और समुद्र से दूर जो दूसरे कंट्री थे वहां पे जो भी वस्तुएं प्रोड्यूस होती थी उनके बदले फैब्रिक्स एक्सचेंज की जाती थी, तो यहाँ पे की जाती थी. फैब्रिक्स प्लूरल है, इसमें डी के लिए ऑप्शन हैज एक्सचेंज्ड, हैव एक्सचेंज्ड, वोज एक्सचेंज्ड, वर एक्सचेंज्ड, तो इसमें आएगा वर एक्सचेंज, यानी कि की जाती थी. ये भी यहाँ पे पैसिव सेंटेंस बनेगा. दीज फैब्रिक्स वर एक्सचेंज्ड फॉर वेयर्स प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड द सीज. द मर्चेंट डैश अ प्राइसलेस ऑब्स्टीड, यहाँ पे हेड आएगा कि उसके पास क्या था, एक प्राइसलेस ऑब्स्टीड. इट वॉज एज वाइट एज स्नो एंड द मर्चेंट डैश हिम लाइक हिज ओन सन, और ये बिल्कुल स्नो की तरह सफेद था. इट वॉज, और जो मर्चेंट था उसको वो अपने बेटे की तरह क्या करता था, लव इज लविंग, हैज लव्ड, लव्ड, तो पास्ट पास्ट में है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, लव्ड हिम लाइक हिज ओन सन. वी हैव डन थ्री एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू राइट दीज थ्री एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक.